खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात इंदौर से बड़ी खबर की, जहां पर अतिक्रमण कर बनाई गई कोठी ध्वस्त कर दी गई है। प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण। नगर निगम ने सुरेश पटेल को दिया था नोटिस। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर चलाई थी गोली, जहां तहसीलदार और पटवारी पर गोली चलाई गई थी। आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत ये कार्रवाई की गई है। खबर इंदौर से है, जहां पर अतिक्रमण कर बनाई गई कोठी को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण ध्वस्त किया। नगर निगम ने सुरेश पटेल को दिया था नोटिस। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर चलाई थी गोली। तहसीलदार और पटवारी पर गोली चलाई गई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। और ये देखिए, जब अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है, दरअसल नगर निगम ने ये बुलडोजर चलाया है, जहां एक बार कार्रवाई करने गई टीम पर हमला किया गया था, गोली चला दी गई थी। और इसके बाद जो अवैध तरीके से आरोपी का अतिक्रमण किया गया था, जो कोठी बनाई गई थी, इस कोठी को ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे देखने के लिए, और जब ये तस्वीरें देखी गईं तो वाकई में हैरान करने वाला ये पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि एक बहुत ही विशाल कोठी इस आरोपी की बनकर तैयार थी, और वो भी अवैध जगह पर, जिसे ध्वस्त किया गया है। तो कोठी को ध्वस्त किया गया, प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण। नगर निगम ने सुरेश पटेल को दिया था नोटिस। अतिक्रमण हटाने की टीम पर गोली चलाई गई थी। तहसीलदार और पटवारी पर भी गोली चलाई गई। आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत ये कार्रवाई की गई है, और कोठी को ध्वस्त किया गया। निश्चित रूप से वहां पर गोलीबारी की घटना हुई थी, जो पूरी तरीके से गलत है। पूर्व में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि इस तरीके की चीज़ें जो है किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी, और उसी घटना का संज्ञान लेते हुए जो मुख्य आरोपी है सुरेश पटेल और उनके साथ जो अन्य दो तीन लोगों के नाम आए हैं, उन सभी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी आज करी जा रही है। और ये इस प्रकार की अगर कोई भी घटना भविष्य में भी अगर होती पाई गई, तो ऐसी ही कड़ी कार्रवाई करी जाए। और अब इंदौर से खबर है, जहां तहसीलदार पटवारी पर हमले का मामला है। हमले का मुख्य आरोपी सुरेश पटेल को गिरफ्तार किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। आरोपी सहित अन्य चार पर रासुका की कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है इंदौर से, जहां तहसीलदार पटवारी पर हमले का ये पूरा मामला है, और हमले का मुख्य आरोपी सुरेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी सहित अन्य चार पर भी रासुका की कार्रवाई की गई है। और ये देखिए, इस रासुका की कार्रवाई के अंतर्गत जो कोठी थी, विशाल कोठी थी, इसे ध्वस्त किया गया है। निगम पूरी टीम के साथ निगम अमला पहुंचा, और यहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नोटिस दिया गया था, और उसके बाद इसे ध्वस्त किया गया। तो तस्वीर आपके सामने है, चार पर रासुका की कार्रवाई की गई है। तहसीलदार पटवारी पर हमले का पूरा मामला है, गोली चलाई गई थी, और ये पूरा मामला जब संज्ञान में आया तो इस पर जांच की गई, और जो अवैध रूप से ये निर्माण किया गया था, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई गई थी, इन कोठियों को ध्वस्त किया गया है। इंदौर का पूरा मामला है, और आप ये देखिए कितने बड़ी कोठियां बनाई गई हैं, वो भी अवैध तरीके से। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अधिकारियों पर गोली चलाई गई, और जब जांच की गई तो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कितनी विशाल ये कोठियां बनाई गई हैं, वो भी अवैध निर्माण है। देखिए, अभी जब जांच की गई है तो अभी तो एक कोठी के बारे में पता चला है कि ये जहां रहते थे ये पूरी तरीके से अवैध है। प्रशासन का कहना है ऐसी कई सारी और संपत्ति है जो पूरी तरीके से अवैध है। सभी के रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, कई के रिकॉर्ड मिल भी चुके हैं। आने वाले समय में ये कार्रवाई और भी जारी रहेगी। देखिए, प्रशासन का ये एक बड़ा मैसेज है। प्रशासन ने ये एक बड़ा मैसेज दिया उन लोगों को जो अपने आप को रसूखदार समझते हैं, जो अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं, जो अपने आप को प्रशासनिक अधिकारियों से बड़ा समझते हैं, उन लोगों को प्रशासन एक बड़ा मैसेज दिया। पहले दिन ही कलेक्टर आशीष सिंह ने कह दिया था कार्रवाई तो इसमें बड़ी होगी, क्योंकि पटवारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो है स्पेशल कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, और जब नप्ती कर रहे थे उसी दौरान पर सुरेश पटेल के सुरक्षा गार्ड ने उन पर गोली चला दी। लगातार वो फायरिंग करता रहा। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि 25 से 30 राउंड फायर हुए। वहां से अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन उसके बाद से प्रशासन बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा। प्रशासन ने सबसे पहले FIR दर्ज की, गंभीर धाराओं में ये FIR दर्ज किया गया।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वहां पर ये सुरक्षा गार्ड फायरिंग कर रहे थे, यानी उसे स्पष्ट छूट थी, उसे साफ छूट था उसके मालिक की तरफ से कि अगर यहां पे कोई पहुंचे, कोई भी आए तो सीधा गोली चला देना। सुरेश पटेल उस क्षेत्र का अपने आप को बड़ा रसूखदार मानता है और कई सारे नेताओं के साथ उसकी तस्वीर है, फोटो है, जिसके दम पर वो लोगों को धमकाता भी है और बताता भी है कि मेरा राजनीतिक जो दबाव है काफी ज्यादा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शायद ये बात उसके जो सुरक्षा गार्ड है उन्हें मालूम था, इसलिए सुरक्षा गार्ड ने सीधा पटवारी और नायब तहसीलदार पर हमला कर दिया। लेकिन इसके बाद अब अधिकारियों में सुरक्षा असुरक्षा को लेकर बहुत जरूरी है, ये कार्रवाई बहुत जरूरी है मिथिलेश, वरना इस तरीके से हौसले बुलंद होंगे आरोपियों के। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कार्रवाई की गई है, एक के बाद और भी कई कोठियां मिलने की बात कही जा रही है जहां पर एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे जहां ग्वालियर से खबर है, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 31 नर्सिंग होम अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है। सीएमएचओ ने निरस्त किया रजिस्ट्रेशन, अनियमितता और रिन्यूबल का ना होने पर यह कार्रवाई की गई है। आप ये देखिए कि जो स्वास्थ्य विभाग है यहां पर कई सारी कमियां पाई गई हैं, कई सारी खामियां पाई गई हैं। 31 नर्सिंग होम अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया, सीएमएचओ ने निरस्त किया है रजिस्ट्रेशन, जहां अनियमितता और रिन्यूबल ना होने पर यह कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल जो प्रबंधन होते हैं वो रिन्यूबल क्या जो प्रोसेस होता है उसे पूरा नहीं करते हैं, या फिर कई सारी खामियां पाई जाती हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो नियम होते हैं उन्हें पूरा नहीं किया जाता है, फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं, एग्जिट के दो द्वार नहीं होते हैं, ये तमाम खामियां भी कई अस्पतालों में देखी जाती है। और इसके चलते जब निरीक्षण किया गया तो 31 अस्पताल और ऐसे थे स्वास्थ्य विभाग जहाँ पर नर्सिंग होम और अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, 31 नर्सिंग होम अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया गया है, क्या क्या खामियां पाई गई थी, क्या क्या यहां पर कमियां थी जो पूरी होनी चाहिए कि ये इंतजाम होने चाहिए, या फिर साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर भी कई बार सवाल उठे थे। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के स्वास्थ्य विभाग ने सीएमएचओ द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की है, ग्वालियर के 31 नर्सिंग होम और अस्पताल के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के जरिए हर साल जो निजी नर्सिंग होम या अस्पताल हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना होता है 31 मार्च तक, लेकिन इस साल कुछ ऐसे नर्सिंग होम और अस्पताल रहे हैं जिन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया था, उन अस्पतालों के पंजीयन पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा कई अस्पताल ऐसे थे कि जिनको रिन्यूअल के दौरान इंस्पेक्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई खामियां पाई थी, कई अनियमितताएं थी उनमें, जैसे कई अस्पतालों में डॉक्टर स्टाफ नहीं था, कई अस्पतालों में जो बेड की अनुमति थी उसके हिसाब से बेड नहीं थे, वहाँ संसाधन नहीं थे, पार्किंग नहीं थी, कई ऐसी खामियाँ थी, अनियमितता थी इन अस्पतालों में कि जिसके चलते इनके पंजीयन जो थे पूर्व पंजीयन उन पंजीयनों को निरस्त किया गया। तो कुल मिलाकर 31 ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम रहे हैं ग्वालियर ज़िले के जिनके इस बार पंजीयन निरस्त किए गए हैं। 5 अस्पताल ऐसे भी रहे हैं कि जिन्होंने स्वतः ही अपना अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवेदन दिया था, अस्पताल बंद करने के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। तो निश्चित तौर पर 31 जो नर्सिंग होम और अस्पताल है जिनके पंजीयन निरस्त किए गए हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम किसी भी तरह से मरीज की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहती, और इन निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में अगर स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं माकूल नहीं है तो फिर इनके पंजीयन रिन्यूअल होने की बजाय निरस्त किए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। और वाकई में ये कार्रवाई होनी ही चाहिए ऐसे अस्पतालों के खिलाफ के जिनमें संसाधन नहीं है, जो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ तक करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया जाना बहुत ही जरूरी होता है जहां पर लापरवाही की जाती है, जहां पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर है जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने अपनी हड़ताल की खत्म, कोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटे हैं जूनियर डॉक्टर। कल देर रात हमीदिया के जूडा संगठन ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया, अगली सुनवाई के बाद आगामी रणनीति तय करेंगे जूनियर डॉक्टर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से जहां पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई।
बात इंदौर की, जहां पर संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से मरीज की मौत का मामला सामने आ रहा है। युवक की संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से मौत की आशंका है और जांच के लिए पुणे सैंपल भेज दिए गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। इंदौर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, खरगोन जिले का रहने वाला था 22 साल का युवक बताया जा रहा है। युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है, क्योंकि जिस तरीके से चांदीपुरा वायरस ने एंट्री ली है उसके बाद दिखाई जा रहा था कि ज्यादातर बच्चे या फिर बुजुर्ग पर यह हमला कर रहा था, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ये 22 साल के युवक पर चांदीपुरा वायरस हुआ था और आशंका जताई जा रही है कि इसी वायरस की वजह से इस 22 साल के युवक की मौत हो गई है। हालांकि जो सैंपल हैं वो पुणे लैब भेज दिए गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी और हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से मौत का ये पहला मामला इंदौर से सामने आया है। तो अब इस वायरस को लेकर भी अलर्ट किया जा रहा है। आपने कोविड के दौरान जो जो प्रोटोकॉल अपनाए हैं, ठीक वही प्रोटोकॉल आपको एक बार फिर से अपनाने हैं। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आशंका है कि संदिग्ध चांदीपुरा वायरस की वजह से 22 साल के युवक की मौत हो गई। देखिए, अगर चांदीपुरा वायरस की बात करें तो इस वक्त चांदीपुरा के केस सबसे ज्यादा गुजरात से सामने आ रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अभी तक 29 जो केस है उसकी पुष्टि हुई है, जिसमें 26 केस गुजरात से, 2 राजस्थान से और 1 मध्यप्रदेश से। और मध्यप्रदेश का ये जो अभी पुष्टि होना बाकी है, हालांकि सस्पेक्टेड माना जा रहा है, जो सैंपल गया है उसकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन जो लक्षण थे वो काफी हद तक मिलता जुलता माना जा रहा था। यहाँ के जो डॉक्टर ने, उन्होंने कहा कि खरगोन से ये युवक आए थे, 22 साल इनकी उम्र थी, लेकिन जो लक्षण के कारण इन्हें भर्ती किया गया था वो पूरी तरीके से चांदीपुरा वायरस से मिलता जुलता है, क्योंकि तेज बुखार आना, मानसिक जो संतुलन है उसमें बदलाव होना, शरीर में अलग अलग जगह पे कुछ निशान भी बन जाना, तो जो उसके लक्षण होते हैं वो लक्षण उस युवक में दिख रहे थे। उपचार के दौरान में मौत हो चुकी है। खरगोन के सीएमएचओ को, यहाँ के जो सीएमएचओ है, उन्होंने जानकारी भेज दी है। इसके बाद पूरे खरगोन के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जहां पर ये रहते थे आसपास में स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक ये बात सामने आई कि जहां पे ये रहते थे वहां आसपास कहीं भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन डॉक्टरों को बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि चांदीपुरा जो वायरस है वो छोटे बच्चों में बहुत तेजी से फैलते हैं। इनकी उम्र 22 साल थी। डॉक्टर कहना है कि जो 16 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत तेजी से होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी चांदीपुरा वायरस जो संक्रमित है उसके संपर्क कहीं ना कहीं आए होंगे, लेकिन अभी तक संदिग्ध ही माना जा रहा, सस्पेक्टेड ही माना जा रहा, लेकिन उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। शायद संभवतः कल रिपोर्ट आने की उम्मीद है कि कल पुणे लैब से जो रिपोर्ट आएगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की वजह क्या रही, उन्हें चांदीपुरा वायरस से वो संक्रमित थे या नहीं थे, लेकिन शुरुआती लक्षण में माना जा रहा है कि चांदीपुरा वायरस के लक्षण उनके में दिखाई दे रहे थे, ऐसा जो डॉक्टर एक्सपर्ट है उनके मुताबिक, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब चांदीपुरा वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है, अब जांचें की जा रही, स्क्रीनिंग किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है मिथिलेश, क्योंकि जिस तरीके से वायरस तेजी से फैलता है उसके पहले एहतियात बरतना जरूरी है, और जो कोविड काल के दौरान प्रोटोकॉल अपनाए गए थे ठीक वही प्रोटोकॉल एक बार फिर से अपनाने। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और इस तरीके से चांदीपुरा वायरस से आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, जहां इंदौर से ही खबर है, युवक ने महिला को एचआईवी संक्रमित कर दिया। एचआईवी संक्रमित युवक ने महिला से संबंध बनाए, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए, पति से अलग रह रही महिला को संक्रमित किया गया, महिला से अपने ऊपर खर्च करवाए 18 लाख रुपए। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और आप ये देखिए कि कैसा अलग ही ये मामला है, चौंकाने वाला ये पूरा मामला है। युवक ने महिला को शादी का झांसा दिया, युवक एचआईवी संक्रमित था और उसने महिला से अवैध संबंध बनाए, शादी का झांसा देकर ये शारीरिक संबंध बनाने का मामला है। और अब दरअसल जो महिला है वो पति से अलग रह रही थी और इसने किसी अन्य युवक के साथ संबंध बनाए जो कि एचआईवी संक्रमित था। अब महिला से अपने ऊपर इस युवक ने 18 लाख रुपए खर्च भी करवा लिए। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर इंदौर से है। और भोपाल से खबर है, 20 क्विंटल मावा जब्त किया गया। ग्वालियर से लाया जा रहा था मावा, बैरसिया के रास्ते भोपाल लाया जा रहा था मावा। खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया मावा। मावा का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। खबर भोपाल से है, 20 क्विंटल मावा जब्त किया गया। ग्वालियर से लाया जा रहा मावा जब्त कर लिया गया है। बैरसिया के रास्ते भोपाल ये मावा लाया जा रहा था। ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने है। खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया मावा का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया।
तो खाद्य विभाग की टीम इस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट है क्योंकि त्योहार का सीजन है और त्योहार के आसपास देखा जाता है कि जो मिलावटी खाद्य पदार्थ होते हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट में आते हैं और इसके चलते हर टीम एक्टिव हो चुकी है। 20 क्विंटल मावा जब्त करने का ये पूरा मामला है। वहीं भोपाल में दुकानों पर खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। मंगलवारा इतवारा बैरागढ़ क्षेत्र में कार्रवाई की गई। मावा दुकानों दुग्ध उत्पादकों के सैंपल लिए गए हैं। दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। मिलावट पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की जाँच होगी। बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं जहाँ पर दुकानों पर खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। मंगलवारा इतवारा बैरागढ़ क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। मावा दुकानों दुग्ध उत्पादकों के सैंपल ले लिए गए हैं। दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। मिलावट पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दुकानों पर खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है।